सभी को गुड मॉर्निंग। आंकित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आज दूसरा से तीसरा दिन है यार। एसएचएम के आंकित प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, और क्योंकि आंकित प्रश्नों के लिए ये पाठ जाना जाता है, ये टॉपिक जाना जाता है, इसलिए आंकित प्रश्न बताने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको अच्छे आंकित प्रश्न आप तक कम से कम पहुँचा सकें। ठीक है, तो आज उसी श्रृंखला में आगे आंकिक प्रश्नों की जो चेन चल रही है उसी में एक सवाल है, किसी स्प्रिंग की लंबाई में 0.1 मीटर का परिवर्तन करने पर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 0.5 जूल का परिवर्तन होता है, स्प्रिंग का बल निर्धारण ज्ञात कीजिए। तो कल हमने सूत्र आपको बताया था डेल्टा यू बराबर हाफ के डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसमें 0.5 है परिवर्तन और ये हाफ है, अब के आपको निकालना है स्प्रिंग का बल निर्धारण है और ये परिवर्तन है 0.1 का स्क्वायर, 2 × 0.5 × 0.1 × 0.1 बराबर के, एक जीरो बढ़ा करके इसको काट लीजिए, 50 × 100 न्यूटन बटे मीटर ये स्प्रिंग का बल निर्धारण है। ये पहला क्वेश्चन है, शायद इसको मैंने कल लास्ट में बताया भी था, तो अगर पता चल गया है मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक, एक आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक KTQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बल नियतांक K दिया है 50 न्यूटन बटे मीटर, ये 50 न्यूटन बटे मीटर, इस पर 500 ग्राम द्रव्यमान का m है 500 ग्राम, और जब इसे केजी में चेंज करेंगे तो 500 × 10⁻³ केजी, लटकाने पर दोलन कराया जाता है, दोलन का दोलन काल या आवर्त काल ये याद कीजिए, मतलब t, और एक डेरिवेशन हमने करवाया था बहुत अच्छा से, स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन काल या आवर्तकाल, और सूत्र क्या था वो T=2π√m/k। आदर्श स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन काल या आवर्तकाल का सूत्र है T=2π√m/k। यहाँ वैल्यू आपको प्रूव करवानी है, 2π√500 × 10⁻³ के है आपका 50, इसको हल कर दीजिए 5, 10, ठीक है, और 2π√ ये बचेगा आपका 10⁻², या इसको लिख दीजिए √1/10⁻², या इसको लिख दीजिए 2π×1/10, या 2.2 × 3.14 10, ये 6.28 × 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 62.8। ठीक, ये सेकंड आ गया दोलन काल 62.8, ये आया आपका दोलन काल। यहाँ से कैलकुलेशन देख लीजिए, ये बटे में है, थोड़ा सा यहाँ से गलत कर रहे हैं, ये बटे में है, तो ये 2 × 3.14 × 1/10, तो ये 6.28/10, तो ये हो जाएगा 0.628, मतलब आवर्तकाल आया कैलकुलेट होके T=0.628 सेकेंड। ठीक है, इन सूत्रों पर आधारित निवेदन बहुत अच्छे माने जाते हैं इस टॉपिक में, तो स्प्रिंग वाले सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लगाइएगा, स्प्रिंग के बहुत अच्छे सवाल आते हैं, कहीं पर के बल नियतांक निकलवाया जाता है, कहीं दोलन काल निकलवाया जाता है, कहीं द्रव्यमान निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श भारहीन स्प्रिंग में 1 किलोग्राम लटकाने पर उसमें 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, एक आदर्श भारहीन स्प्रिंग में 1 किलोग्राम का भार लटकाने पर
उसकी लंबाई में एम है, एक केजी का भार लटकाने पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है, 10 सेंटीमीटर। दोलन काल और बल नियतांक की गणना करनी है आपको, तो सबसे पहले आप बल नियतांक निकालिए। तो बल नियतांक, बल नियतांक के इक्वल टू सूत्र होता है एफ बटे वाई, और चूंकि एफ बराबर है एम जी, ठीक है, इसलिए के इक्वल टू एफ की जगह एम जी रखिए, और वाई है एम है एक, और जी का मान रख दीजिए 10 रख दीजिए, और वाई है 0.10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10^-2 मीटर में चेंज करेंगे, 10 से 10 निकल गया, ऊपर ले जाओ तो ये 10^2 मतलब 100, के इक्वल टू आया 100 न्यूटन बटे मीटर। के इक्वल टू 100 न्यूटन बटे मीटर, ये बल नियतांक आया पहला, ठीक है। आगे इसी का दोलन काल भी निकालना है आपको, तो दोलन काल या आवर्त काल, दोलन काल चाहे दोलन काल कहिए या आवर्त काल कहिए, अंग्रेजी में इसे पीरियाडिक टाइम भी कहा जाता है, भी क्या अंग्रेजी में पीरियाडिक टाइम ही कहते हैं। तो टी इक्वल टू दोलन काल टी, दोलन काल टी इक्वल टू 2π√ एम बटे के, और मान रख के हल कर दीजिए, 2π 2×3.14 एक, और ये सब आया हुआ है, ठीक है, तो 2×3.14 और इसका वर्गमूल लिया तो 1.10, और ये 2×4 8 2×3 6 / 10, यहाँ भी उत्तर कैलकुलेट होके आ गया 628 सेकेंड, 628.0.628 सेकेंड, ये दोलन काल आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो स्प्रिंग पर आधारित हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। अगला क्वेश्चन है, जब एक भारहीन स्प्रिंग से 0.5 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई में 0.02 मीटर की वृद्धि हो जाती है। बल नियतांक निकालना है और स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की गणना भी करनी है, ठीक है। स्प्रिंग का पहले बल नियतांक निकालने के लिए तो आप ये चले आइए, जैसे पीछे सवाल में आए हुए हैं, ठीक है, सेम यही प्रोसेस है। तो m का मान दिया हुआ है 0.5, और g की वैल्यू दी है 9.8, और वृद्धि है कितनी वृद्धि हो जाती है 0.02, 0.02, तो ये दो अंक के बाद दशमलव इनको खत्म कर देगा, ये 49 हो जाएगा कट के, ये 45 और ये 24, 245 न्यूटन बटे मीटर, ये स्प्रिंग का बल नियतांक है, ठीक है। और जब स्प्रिंग का बल नियतांक आ गया तो संचित ऊर्जा की गणना करने के लिए, संचित ऊर्जा, ठीक है, अभी इसके पहले भी सवाल बता चुके हैं, संचित ऊर्जा डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 k ΔX² यहाँ से के आपने अभी कैलकुलेट किया है 245, और डेल्टा एक्स है 0.02, इसको हल कर लीजिए, उत्तर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आगे गुणा इन सब का गुणा करके इसका भाग कर दीजिए। और एक क्वेश्चन है, एक आदर्श भारहीन स्प्रिंग से 2 किलोग्राम का पिन लटकाने पर उसकी लंबाई में 0.1 मीटर वृद्धि हो जाती है। इस निकाय के ऊपर नीचे दोलनों के दोलन काल की गणना करनी है आपको, सेम उसी तरीके का सवाल है, ठीक है। पहले आप के की गणना कर लीजिए, तो के की गणना तो आप ऐसे ही कर लेंगे, केवल वैल्यू बदल जाएगी, 2 किलोग्राम है तो एम की जगह आ जाएगा आपका 2 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू आप यही रहने दीजिए, 0.1 मीटर वृद्धि हो जाती है,
तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए तो दशमलव से दशमलव निकल जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 98 बना रहेगा। 98 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 98 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 16 2 9 18 19, ये न्यूटन बटे मीटर। ये तो आ गया स्प्रिंग का आपका बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक आया। ठीक है, और फिर गणना करनी है दोलन काल की। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए फिर दोलन काल का। सब एक जैसे एक प्रोसेस के क्वेश्चन हैं, कुछ अलग नहीं है, बस आपको अभ्यास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तो टी 2 पाई अंडर रूट एम बटे के, पाई एम और के का मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे ये श्रृंखला चली जा रही है न्यूमेरिकल्स की। अब कल हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल जितने हमने बताए हैं, कोशिश की है कि जितने हम समझा सके आपको इस माध्यम से बोर्ड में, इसके अतिरिक्त भी आप आंकिक प्रश्नों का बढ़िया अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, कल आपको नया लेसन लेके आएंगे, बढ़िया से लेसन, आइसोलेशन का बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, मिस ना कीजिएगा, क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। कल तक इंतजार कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।